नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार यानी कि छठ पर्व शुरू होने वाला है, जिसे लेकर अब हर बिहारवासी अपने गांव आना शुरू कर दिए हैं, जिससे मद्देनजर रखते हुए अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी बड़े पैमाने पर बड़े योजनाओं को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, बिहार आने वाले हर दूसरे राज्य यात्रियों के लिए स्पेशल काउंटर का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, हर यात्रियों को आने के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की गई है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर एक बयान भी सामने आया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किए काउंटर का। उनका कहना है कि जो भी यात्रीगण आएंगे उनके लिए आयुष्मान कार्ड का भी प्रावधान जारी हुआ है, यानी कि आयुष्मान कार्ड लोगों के जीवन का सबसे बड़ा कार्ड होता है। लोग आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड अपना रोल प्ले करते नजर आता है। इन दिनों हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके पास उनका आयुष्मान कार्ड हो, लेकिन किसी समय व्यर्थता के कारण उनके पास अवेलेबल नहीं है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बड़ी बातों को सामने रखा है। उन्होंने लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की कई प्रावधान को जारी किया है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि आयुष्मान कार्ड बनने से इंसान रोगी नहीं हो जाता है, बल्कि उनके जीवन यापन को पूरी अच्छी तरह से और स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनने के लिए आयुष्मान कार्ड जरूरी है। और भी देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का, देखिए इस वीडियो में। हो चुका है, पूरे राज्य में 1,79,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनना है। 1,79,00,000 परिवारों को जो पीएम जय और एमएम जय योजना का आयुष्मान कार्ड बनना है, उसमें से 1,50,00,000 कार्ड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि 85% परिवार के बीच आयुष्मान कार्ड पहुंच चुका है। इसका लाभ बिहार के उन सभी गरीब और सामान्य परिवारों को मिलेगा जिनके घरों में कभी गंभीर बीमारी हो जाने के कारण आर्थिक तंगी से या पैसे के अभाव में अपने परिजनों का समुचित इलाज उपचार नहीं करा पाते थे और परिवार में असामयिक दुखद घटना घट जाती थी। लेकिन अब जो पीएम जय योजना और एमएम जय योजना, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो शुरू हुई है, उसके कारण ऐसे सभी परिवार जिनको राशन कार्ड है, जिनकी संख्या बिहार में 1,79,00,000 है, ऐसे सभी परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का सालाना इलाज कराने के लिए अब किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कोई घर का सामान बेचना नहीं पड़ेगा या गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो दोनों योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ गरीबों को मिलेगा, सामान्य जनों को मिलेगा और 5,00,000 रुपए तक का इलाज वो मुफ्त में करा सकेंगे। पूरे देश में ऐसे लगभग 29,000 से ज्यादा अस्पताल सूचीबद्ध हैं इस आयुष्मान योजना के तहत, जिसमें देश के कई नामी गिरामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनके अस्पताल में जाने के बारे में देश और राज्य का गरीब कभी सोच भी नहीं सकता था, आज बेहतर से बेहतर इलाज कराने के लिए वो केवल पॉकेट में एक आयुष्मान कार्ड लेके जाता है और उसको पूरा कैशलेस व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। मतलब कार्ड देखने के बाद उस अस्पताल में उसको कोई पैसा नहीं देना होता है और उसका समुचित इलाज किया जाता है। इसी क्रम में यह योजना 2018-19 से शुरू हुई थी और 6 साल इस योजना ने पूर्ण कर लिया है। 6 वर्षों में अभी तक बिहार के 13,95,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। लगभग 14,00,000 ऐसे लोग, गरीब ऐसे लोग जो इतनी अधिक राशि शायद खर्च वहन नहीं कर पाते या करते तो उनको अपने परिवार का कोई सामान
बेचना पड़ता, गिरवी रखना पड़ता, वैसे 14 लाख लगभग लोगों का इलाज बिहार के अंदर और बिहार के बाहर हुआ है। और जो 14 लाख लगभग लोगों का इलाज हुआ है उसमें 1730 करोड़ रुपये का खर्च आया है। मतलब इस योजना में 1730 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वर्ष खास करके आयुष्मान कार्ड बनाने में बहुत तेजी बिहार ने दिखाई है, और इसी का परिणाम है कि केवल इस वर्ष में लगभग 2,70,00,000 कार्ड केवल इस वर्ष में बने। टोटल 3,60,00,000 लगभग बना है, जिसमें 2,70,00,000 लगभग कार्ड केवल इस साल बने। और जो मैंने कहा कि 1730 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो हर वित्तीय वर्ष में ये खर्च की राशि बढ़ती चली गई। पहला साल बहुत 4-5 महीने का कार्यकाल था, 18 के सितंबर में शुरू हुआ था तो केवल 17 करोड़ खर्च हुए थे। 19-20 में 145 करोड़ खर्च हुआ, फिर 20-21 कोरोना का बहुत पिक टाइम था तो उस वक्त 80 करोड़ खर्च हुआ, फिर 21-22 में 140 हुआ, 22-23 में 237 करोड़ हुआ और 23-24 में 431 करोड़ हुआ। मतलब जो इस साल का मार्च बीता है उस वक्त तक 431 करोड़ हुआ था, और मार्च बीतने के बाद अभी 6 महीने बीते हैं, 7वां महीना चल रहा है। केवल इस चलते हुए 7वें महीने में अभी तक 680 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तेजी के साथ आम लोग इस आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, और किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो गरीबों की सेवा की कल्पना है, गरीबों की सेवा के लिए ही सरकार है, उनकी जो सोच है वह किस प्रकार से धरती पे उतर रही है, और 680 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। मेरा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाए। जैसा कि भी आपने इस वीडियो में सुना और जो कुछ भी मंगल पांडे जी का कहना है, साफ तौर पे अब बिहार वासियों के लिए बड़े प्रावधान जारी हुए। बिहार का सबसे बड़ा पर्व यानी महाछठ पर्व पर कई स्पेशल काउंटर भी बनाए जा रहे हैं, और पटना पर जगह जगह कई जगहों पे काउंटर बना करके लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी कार्ड हो गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे, और इसके बाद से कहा जाए तो बिहारवासी लोगों के अंदर भी एक खुशी की लहर देखने को मिली है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।